मोह ईद मुबारक हम सब की तरफ से आप सबको जहां-जहां भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है सभा की तरफ से ईद अपनों के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं थैंक यू ईद मौका ही ऐसा होता है कि जिसमें दिल की सारी नफरतें दूर कर लेनी चाहिए और अगर अभी तक आपने नहीं की हैं तो आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि वक्त कम है जिंदगी छोटी सी है दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि आपका भी कोई ख्याल कर सके मैं जलती हूँ अपने पहले मेहमान की तरफ जिनका नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आज हम बुला रहे हैं पंजाबी के एक बहुत बड़े सिंगर बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पंजाबी सिंगिंग में रोशन किया है सरहद पार भी हर बच्चे की जुबान पर उनके गाने क्या बात है उनकी मैं बुला रही हूँ अकरम राही को प्लीज बैठिए मैं तो उन भाई से पूछना चाहूंगी कि वो किस दुख में नाच रहे थे सर आप साहब के गा रहे थे और नाच रहे थे अच्छा जी पहली याद तो वो तो सामने बैठे है जो बुद्ध सामने आए के अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते अच्छा और असली बात क्या है असली बात अक्रम राय साहब ने कह दिया है क्या जिन लोगों ने मुझे सुना होगा देखा होगा वो समझ गए होंगे। असल जो मसला है ना, जी असल मसला ये है कि मैं अवाम के जज्बात के नज़दीक नज़दीक शायरी करता हूँ बेशक और नज़दीक नज़दीक गाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो गाना गाऊँ वो दूसरे सुनने वाले को यही लगे कि ये मेरी कहानी है आहा, ईद के दिनों में जब आप घर पे होते हैं तो ईद कैसे गुजारते हैं बच्चों के साथ गुजारनी चाहिए सुबह उठे नमाज पढ़े नमाज पढ़ के सीधा अपने बच्चों के पास आए किसी और पास नहीं जाना <laughs> <laughs> ऐसे बच्चों को ईदी कितनी देते हैं और बेगम को कितनी देते हैं मैं कोशिश करता हूँ जो मुझसे मांगा जाए क्योंकि जो हम मांगते थे हमारा वो, तो हमें नहीं मिला। वो हमारा माँ बाप हमें इसलिए शायद ना दे सका कि उनके पास था नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो मुंह से चीज निकाले जायज वो उनकी पूरी की बेगम वो तो थानेदार है भाई जिस बंदे ने जिंदगी आसानी से गुजारनी है खुशहाल गुजारनी है, है, है और वो अपनी बेगम की इज्जत करे नहीं करेगा तो ना ऐस जान सुखनाग ने जान <laughs> हमारी दूसरी बहुत खूबसूरत मेहमान को दावत देने का जनाब पॉलिटिक्स में होती हैं और आवाम के लिए बहुत सी काविशें की हैं मैं बात कर रही हूं ईद <laughs> <laughs> मुबारक खैर मुबारक मैं आपको भी मौका दूंगी कि हमारे आवाम को भी आप कह लें ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कैसी गुजरती है ईद एक रिवायती घर की तरह या कुछ डिफरेंट करते हैं आप लोग सियासत में मेरा जो कदम है इसमें आवाम के साथ भी जो है मैं अपनी ईद स्पेंड करती हूँ मैं अपने इलाके जाती हूँ वहाँ पर सबको मिलना मिलाना और ज़ाहिर है लोग इंतज़ार भी करते हैं उधर और इसमें ये ज़रूर होता है कि एक तरफ फैमिली जो है वो मुझे पुल कर रही होती है कि नहीं आप इधर करें ईद सेलिब्रेट हमारे साथ लाहौर में करें और जो बाकी मेरे साथी हैं जो मेरे हलके के लोग हैं मेरे इलाके के लोग हैं गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं आप उधर आके सेलिब्रेट करें ये बताएं कि ईद पे रवायती खाने बनते हैं तो उनमें से आप क्या बनाना पसंद करती हैं अपनी फैमिली के लिए देखिए मैं कहूँगी मुझे खाने का ज्यादा शौक है अच्छा? ना के पकाने का ओके। <laughs> पर पकाती जरूर हूँ और ईद पे नहीं अच्छा। आ, मैं वैसे अंग्रेजी खाने भी बना लेती हूँ मुझे शौक है बनाने का हाँ जी तो so, बच्चे भी फिर अंग्रेजी खानों की फरमाइश करते हैं बिल्कुल

मारे भी उस वक्त पैदा नहीं हुए जब मैं सिंगर बना <laughs> ये तीसरी पीढ़ी है जो मुझे सुन रही है तो मैंने जिंदगी में सच बात है गाया इतना है कि अल्लाह ने मुझे रियाज की जरूरत नहीं दी सर अंदाजन आप कितने गाने गा चुके हैं पूरी दुनिया में फोक सिंगर गाने वालों में से गानों का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या बात है भाई यानी Sir, कोई एक सौ और फिफ्टी नाइन एक सौ फिफ्टी नाइन घंटे तक बिलावक मेरे गाने चलते रहे तो एक लफ्ज़ भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि मेरे एक सौ फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन एल्बम है, 159 है।, 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 एक है। और सर एक एल्बम में कितने गाने आठ अगर ड्यूट हो तो छह किसी में चार भी होते हैं लेकिन घंटे की रिकॉर्डिंग होती है एक घंटे की, एक की ये पूरी दुनिया में किसी फोक के नहीं तो so, आठ गाने एक एल्बम में एक एल्बम तो ये तो बहुत सारे गाने बन जाते हैं सर असल में हमारे एम एन ए साहब बैठे है इनकी वसादत मैं बात कर देता हूँ <laughs> की जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं ना इस पाकिस्तान में उनको ना माशाल्लाह उनके मर जाने के बाद अवार्ड दिया जाता है जैसे अभी हमारे सदारती अवार्ड हुए हाँ और खुदा का खौफ है कि दस बंदे ऐसे आए तकरीबन कि उनकी औलाद अपना वो सदारती अवार्ड ले रही थी तो मेरी रिक्वेस्ट है उन हुक्मरानों से जो इस मैक में को डील करते हैं आप भी इस बात को उठाइएगा कि जो जीते जी हैं उनको दे दो मरिया ने कवरेज लगा के जाना है <laughs> उनका क्या फायदा उस अवार्ड का जो मरने के बाद दिया गया तो ये एक आप चीज है मैं लेकिन मैंने चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्लाई किया हुआ है इनशाला बहुत जल्दी मुझे वो मिल जाएगा तो हो सकता है उससे फिर ज्यादा असर पड़े लेकिन मुझे दुख कोई नहीं क्यों कि किाम मुझे आज भी प्यार करती है मुझे 38 साल से ज़्यादा टाइम हो गया गाते हुए आवाम मुझे आज भी उतना प्यार करती है इससे नहीं। बड़ा अवार्ड मेरे लिए शायद और कोई नहीं